एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाए और यूट्यूब चैनल बनाने का सही तरीका क्या है। तो यह सब डाउट क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन पे आने के बाद आपको टैप करना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे टैप करने के बाद आपको चले जाना है अपना लोगो पे। लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पे टैप करने के बाद आप फिर से टैप कर देना है स्विच टू अकाउंट पे। स्विच टू अकाउंट पे टैप करने के बाद आपको आ जाना है अकाउंट पे। अकाउंट पे यहाँ पे आ जाना है, इस पे प्लस के निशान जो लगा हुआ है यहाँ पे टैप करने के उसके बाद आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आपको चले आना है पर्सनल माई, यहाँ देखो लिखा हुआ है, एक मिनट आप देखो लिखा हुआ है फॉर माई पर्सनल यूज। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर वर्क और माई बिजनेस, मतलब बिजनेस। तो आपको किस पे टैप करना है, आपको इस पे टैप करना है, ठीक है। आपको इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद अपना यहाँ पे पहले नाम दे देना है, जैसे मैं नाम देता हूँ मुस्तफ़ा। उसके बाद यहाँ पे राज देता हूँ, ठीक है, पे राज देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे डे पे दे देना अपना। आपको यहाँ पे ईमेल डालना है, ठीक है, ईमेल डालना है। कैसे ईमेल डालेंगे आपको, आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं डाल देता हूँ, उसके बाद ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है, जैसे टाइप करने के बाद आपको अगर गूगल पे सेव करना है तो सेव वाला ऑप्शन पे डाल देना। अगर गूगल पे पासवर्ड सेव नहीं करोगे तो नो नॉट न्यू पे सेव करना, तो मेरे को नहीं करना है तो नोट पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे यस पे टाइप कर देना, ठीक है। यस पे टाइप करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट पे क्लियर कर देना है, नेक्स्ट पे टाइप करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे करने के बाद फिर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद एग्री पे, एग्री लिखा हुआ, एग्री पे टैप करने के बाद आपका देखो बनने वाले गूगल सर्विस आ रहे हैं। देखो अभी सर्विस हो रहा है, चेकिंग हो रहा है, हो भी गया है। देखो लॉगो पे टैप करने के बाद आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपको यहाँ फिर से लॉगो पे टैप करना है। लॉगो पे टैप करने के बाद आपको कोई एक फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। मान लो मैं ये एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेम, यहाँ पे जो भी अपना यूट्यूब चैनल का नाम टाइप करना चाहते हो, मतलब लिखना जो चाहते हो वो लिख दूँ। मान लो मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम लिख देता हूँ डेली ब्लॉग, या तो देसी ब्लॉग, चलो देसी ब्लॉग मान लो मैं देसी ब्लॉग बनाता हूँ, देसी ब्लॉग लिख दिया। तो ये हैंडल है ना ऑटोमेटिक यूट्यूब ब्लास्ट कर लेता है। देखो WIW90, चलो ये ले लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको किस पे टैप करना है गाइस, आपको इस पे टैप करना है, ठीक है। आपको क्रिएट चैनल पे टैप करना है, जैसे गाइस। तो फिर से आपको इस पर टाइप करना है। इस पर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देखो एडिट चैनल लिखा हुआ है, एडिट चैनल लिखा हुआ है ना, एडिट चैनल पे टाइप करने के बाद आपको चले आना है यहाँ पे। तो देख लो ये लोगो का ऑप्शन है, तो लोगो पे मैं अपना फ़ोटो डाल दिया हूँ और ये बैनर, ये यूट्यूब बैनर है, यूट्यूब चैनल का ये बैनर है। तो पीछे का बैकग्राउंड यहाँ लगाने के लिए आपको फिर से यहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ से आप कोई भी, जैसे मैं लेता हूँ, मान लो इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है।
उसके बाद शेप वाला ऑप्शन पे क्लियर करता हूँ। ये देखो अभी आ जाएगा, ये देखो अभी आ जाएगा, ये देखो आ गया। आने के बाद आपको फिर से पेंसिल पे टाइप करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे लिख देना है हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड फ्रेंड्स मतलब ऐसे ही कुछ तरीका से आप लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे studio.iostudio.com। आप जैसे ऐसे टाइप करोगे उसके बाद आपको चले आना है किधर में, ओ यार गलत में टाइप कर दिया, .com देना है मुझे गलत टाइप। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, अकाउंट पे टाइप करना है, ठीक है। अकाउंट पे टाइप करने के बाद आपको चले आना है, देखो यहाँ पे लोगो दिखाई देता होगा फ़ोटो का, यहाँ पे इस पे टाइप करने के बाद आपको टैकन पे टाइप करना है, ठीक है। इस पे टाइप नहीं करना है, इसको दाब के रखना है, मतलब ऐसे दाब के रखना है। जैसे ही दाब के रखोगे तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना, एक बार टाइप करके छोड़ देना, जैसे टाइप करके छोड़ दिया। अब इस पे टाइप करना है, ठीक है, इस पे। जैसे ही आप इस पे टाइप करोगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए कॉर्नर में, देखो आपको आपको यहाँ पे देखो कॉर्नर में एक सेटिंग मिल जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सेटिंग। इस पे टाइप करना है, जैसे ही आप इस पे टाइप करोगे तो आपको देखने के लिए बहुत सारे फीचर आ जाएगा। जर्नल को छोड़ देना है, आपको चैनल पे टाइप कर देना है, ठीक है, चैनल पे इस पे टाइप कर देना है। टाइप तो हो गया है, टाइप करने के बाद आपका कंट्री सेट करना है, जो यहाँ आप देखो फर्स्ट नंबर पे दिखाई देता होगा, आपको दिखाता हूँ एक बार ही। यहाँ पे देखो इस पे टाइप कर देना है, यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपको आ जाएगा आप जहाँ से हो वहाँ का आप लोकेशन डाल सकते हो। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे, देखो इंडिया इंडिया कर लेना है। और उसके बाद कीबोर्ड लगाना है, कीबोर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे मेरा देसी ब्लॉग है तो देसी ब्लॉग। उसके बाद जैसे देसी ब्लॉग और उसके बाद देसी ब्लॉग वीडियो, उसके बाद डेली डेली ब्लॉग, ऐसे डेली ब्लॉग हो गया DAI। जैसे यहाँ पे डेली जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ डेली ब्लॉग। ऐसे ही चार पांच कीबोर्ड लगा लेना है। उसके बाद देखो यहाँ पे जूम करके आपको, सॉरी यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, देखो यस उसके बाद नो। तो आपको किस पे टाइप करना है, आपको टाइप कर देना है नो पे, क्योंकि मेरा वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। अगर बच्चों के लिए है तो यस पे टाइप करना है, ठीक है। तो हम नो पे टाइप करता हूँ, बच्चों के लिए नहीं है तो मैं नो पे टाइप करता हूँ। उसके बाद आपको हेलो फ्रेंड, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चलो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।